नमस्कार, इंजीनियर राजीव तावड़े चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी मैं बेसन पोड़ा बना रहा हूँ। बेसन पोड़ा बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में बेसन लिया और उसमें मैंने नमक ऐड किया और पानी ऐड किया। उसके पहले मैंने सीडलेस टोमेटो काट कर लिया, यानी कि सीड्स निकाल कर टोमेटो काट कर लिया। कांदा भी काट कर लिया, यानी कि प्याज को भी मैंने काट के लिया, चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिलीज 3 to 3.5 चॉप्ड ग्रीन चिलीज और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते, ये सबको मैंने उस मिश्रण में ऐड किया जिसमें मैंने बेसन और पानी ऐड किया हुआ था। और उसके बाद में सबको मैंने ठीक से स्टर किया। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा नमक यानी कि स्वादानुसार नमक ऐड किया। फिर मैंने तवे पर तेल गर्म करके लिया और मैंने यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं तवे पर ये मैं फ्राई करके ले रहा हूँ और बेसन का पोड़ा अभी बन रहा है। अभी मैंने एक साइड की तरफ से हीट देने के लिए ये अभी प्रोसेस शुरू की है। और बोलना चाहता हूँ कि तवा जो है वो मैंने तवा है इसलिए मैंने इंडक्शन को डोसा चपाती मोड यानी कि तवा जिस मोड पर वापरते हैं डीसी मोड बोलते हैं प्रेस्टीज के इंडक्शन कुकटॉप के लिए उस मोड पर मैंने रखा है। तो ऐसा करने पर तवे पर जो हम चीज़ जो फ्राई कर रहे हैं वो अच्छे से फ्राई होती है। नहीं तो दूसरे मोड भी होते हैं जिस पर एक्चुअली इंडक्शन को वापरा जा सकता है, जैसे कि कुकिंग अगर करना हो कुछ या अगर चाय बनाना हो तो दूसरा मोड प्रेशर कुक मोड और भी अलग अलग मोड है, डीप फ्राई मोड, करी मोड, इडली मोड, ऐसे अलग अलग मोड है। तो उसमें ऑपरेशन के इंडक्शन के लिए तो उसमें से डोसा चपाती मोड ये तवा जब भी मैं वापरता हूँ तभी मैं वो मोड पर मैं रखता हूँ इंडक्शन को। तो और भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डीसी मोड जो होता है उसमें ऐसे पावर चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी जो मोड है उसमें वॉट्स चेंज कर सकते हैं। तो इसमें एक ही टाइप का ये मतलब डीसी मोड पर अगर हम शुरू करें तो डायरेक्ट ये एक फ्राई मोड के लिए ये वापरा जा सकता है, मतलब अभी तवे के लिए। तो अभी देख रहे हैं हम कि एक साइड से फ्राइंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट हो गई है और अभी मैं इस बेसन पोड़ा को मैं फ्लिप करने वाला हूँ, यानी कि मैं उल्टी तरह दूसरी तरफ से मैं हीट देने के लिए इसको उल्टा करने वाला हूँ। ये देखिए अभी चम्मच वापर के मैं इसको नीचे से घुमाने देख रहा हूँ, चम्मच को अभी मैं फ्लिप करूँगा। ये देखिए मैंने फ्लिप किया है और इस तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो गया है। इसी तरीके से साधारण 2 मिनट या 2.5 मिनट तक दूसरे तरफ भी इसे अच्छे से फ्राई करके लूँगा मैं। और इस बेसन पोड़ा को होल व्हीट ब्रेड के साथ और चाहिए तो टोमेटो केचप थोड़ा लेकर उसके साथ एंजॉय किया जा सकता है। और हिंदी में इसे चीला बोलते हैं, इंग्लिश में इसे वेज ऑमलेट भी कहते हैं, वेजिटेरियन ऑमलेट। और इसे अगर चाहो तो वो आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, कुक्ड राइस के साथ में। तो अभी थोड़े देर में दूसरी तरफ से इसे फ्राई करने देता हूँ। चम्मच से थोड़ा मैं प्रेस कर रहा हूँ ताकि उसको हीट ठीक से मिले।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे कुकिंग वीडियोज़ हैं और फूड के रिलेटेड भी रिव्यू वीडियोज़ भी है, फूड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी है और बाकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ है, टूरिज्म, ट्रैवल, वॉकिंग टूर्स, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड वीडियोज़ और गार्डन के वीडियोज़, ग्रीनरी, नेचर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर मेरे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते रहते हैं। धन्यवाद।